जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल सी एस वाला पर। तो जिंदगी में होगी मस्त मौज बार और मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं आपका एक और बार एक प्यारी सी वीडियो में, जहां दोस्त हम बात करने वाले सर रोड मैप फॉर सी एस एक्सी स्टूडेंट्स जून 2024। सर अब बस 2 महीने के करीब बचे हैं या 2 महीने कुछ दिन, जिसके बीच में होली भी आने वाली है और हमें अब अपनी पढ़ाई को किस तरह मैनेज करना है कि हमारा जून 2024 एक बार में क्लियर हो जाए। दूसरी बात दोस्त, हमको इस बात का भी ख्याल रखना है कि इस समय खुद को डिमोटिवेट नहीं होना है। इस समय यह नहीं सोचना है कि क्लास की वो हमें इतनी सारी चीजें समझ नहीं आई, कहीं वो एग्जाम में आ गई तो हमारा क्या होगा। सर यह नहीं समझना है कि जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया सिर्फ वही थोड़ी ना आने वाला एग्जाम में। सबसे पहले तो आपको इस बात से क्लैरिफाई होना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप बोथ मॉड्यूल में जा रहे हैं या सिंगल मॉड्यूल में, क्योंकि एग्जाम फॉर्म का सीजन चल रहा है। या तो एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी डिसीजन बेसिस पर भर दिए होंगे बोथ मॉड्यूल या सिंगल मॉड्यूल में, या अभी भरने वाले होंगे क्योंकि अभी कुछ दिन और बाकी है। तो सबसे पहले दोस्त आप अपने आप को खुद से क्लैरिफिकेशन दो, आप अपना डिसीजन लो कि सर आपको बोथ मॉड्यूल के लिए जाना है या सिंगल मॉड्यूल के लिए। आपने पढ़ाई बोथ मॉड्यूल की करी थी बट अगर सिलेबस अभी आपका 60-70% आपका अपना नहीं हुआ है दोनों मॉड्यूल का, तो दोस्त आपको फिर सिंगल मॉड्यूल का डिसीजन लेना चाहिए। सिंगल मॉड्यूल लेने से क्या क्या फायदे हैं वो बताऊंगा, घाटा सिर्फ एक ही है वो जो लास्ट में बताऊंगा मैं। फायदे दोस्त क्या क्या है कि जो आपके जून में एग्जाम होने वाले हैं या कभी भी एग्जाम होते हैं सी एस एक्सी के, आपको एक दिन मॉड्यूल 1 का एग्जाम देना होता है और दूसरे दिन मॉड्यूल 2 का एग्जाम देना होता है, फिर नेक्स्ट डे मॉड्यूल 1 का एग्जाम होता है और फिर नेक्स्ट डे मॉड्यूल 2 का एग्जाम होता है। ये बातें कुछ बच्चों को शायद अब तक नहीं पता होंगी और बहुत सारे बच्चों को शायद ऑलरेडी पता होंगी, कमेंट में मुझे जरूर बताना इस बात को लेकर। आपको एक दिन मॉड्यूल 1 और दूसरे दिन मॉड्यूल 2 का मतलब क्या, अगर आप कोई एक मॉड्यूल चुनते हो यानी अगर आप मॉड्यूल 1 की तरफ जाते हो दोस्त, तो दूसरे दिन का गैप आपको प्रिपरेशन करा सकता है, आपका रिविजन करा सकता है, आपको आपको क्या करा सकता है कि सर आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं बिफोर 1 डे एग्जाम, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं। सर मल्टीपल टाइम्स का एक बार ही पूरा रिवाइज हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, इसलिए ही बोल रहा हूं कि आप अपनी कैपेसिटी को अच्छे से जानते हो। सिर्फ तीर में तुक्का ना चलाएं कि सर हम जाएंगे और बोथ मॉड्यूल देंगे और टोटल मिला के 350 आएंगे, ऐसे नहीं आते दोस्त। सबसे पहले आप अपना मॉड्यूल 1 में जा रहे हो या मॉड्यूल 2 में, अगर अब तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो आप एग्जाम फॉर्म उसी बेसिस पर भरें। बट अगर सर 60-70% हमारा कोर्स पढ़ा हुआ है, हमें टीचर की क्लासेस समझ में आई थी, हमने खुद से भी कुछ ना कुछ सेल्फ प्रैक्टिस किया था और हमारा कॉन्फिडेंस इतना है कि हमारा 60-70% कोर्स क्लियर है, 20-30% या तो कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए थे या अभी कुछ कोर्स पेंडिंग है, तो दोस्त पूरे कोर्स की तरफ मत भागो। सारे टीचर्स का ये कहना होता है कि पहले अपना कोर्स 2 महीने पहले कवर कर लो, पहले खत्म कर लो, बात उनकी कहीं ना कहीं सही है क्योंकि 2-2.5 महीने पहले कोर्स खत्म होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके संग क्या होता है, उसके बाद कहानी होती है आपकी ये कि सबसे पहले आपके पास 2 महीने नहीं 60+ डेज है, और 60+ डेज का मतलब है कि आपके पास 600 घंटों से ज्यादा है और ये 600 घंटे आपको अपनी पढ़ाई में देने हैं। अगर आप बोथ मॉड्यूल में जा रहे हो तो भी ये 600 घंटे देने हैं, और अगर आप किसी मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 में जा रहे हो तो भी आपको ये 600 घंटे देने हैं। सर 600 घंटे में तो सोच के ही लग रहा है बहुत सारा समय दे रहे हैं हम लोग, हाँ, इसलिए पहले अपना एटीट्यूड बदलो। आप ये मत सोचो बस 2 महीने रह गए अब क्या होगा, इतने महीनों से पढ़ रहा हूं तब समझ में नहीं आया, नहीं, ये सारी चीजें ही तो आपको एग्जाम हॉल में लेकर नहीं जानी है। एग्जाम हॉल से पहले जो एटीट्यूड होना चाहिए, एग्जाम हॉल से पहले जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, वो ये होना चाहिए कि मुझे जाते ही 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते होंगे जिनको मैं लिखना शुरू कर दूंगा, और वो कब आएंगे, जब आपकी प्लानिंग एकदम बेस्ट होगी, वो कब आएंगे जब आपकी स्ट्रेटेजी एकदम बेहतरीन होगी, वो कब आएंगे जब वो एग्जाम वाले क्वेश्चन आपने घर पर कर लिख कर देख लिए होंगे। वो कैसे होगा सुन लो मेरी बात। सबसे पहले दोस्त आपको करना क्या है इस 2 महीने के दौरान कि आपका जो 60-70% कोर्स कंप्लीट है, मैं इसी की बात कर रहा हूं जिसको मैं एबीसी एनालिसिस में ए लिस्ट पर रखता हूं। अगर 60-70% आपने क्लासेस ज्वाइन करी थी, आपको समझ में आया था, आपने क्वेश्चंस कुछ करे थे कुछ नहीं करे थे, कोर्स से आप वाकिफ है, ओवरव्यू है, चाहे आप बोथ मॉड्यूल की तरफ जा रहे हो चाहे सिंगल मॉड्यूल, बोथ और सिंगल में इतना फर्क है कि आपकी कैपेसिटी क्या करती है कि आप हर दिन एग्जाम देने लायक हो या नहीं हो, लास्ट के 7 दिन या 8 दिन अगर आप ओल्ड कोर्स में हो तो 8 दिन लगातार एग्जाम देने वाली कैपेसिटी है या नहीं है हर दिन, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको अप डाउन भी करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा।
दूसरी बात आपकी कैपेसिटी बोलते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी डेली अप डाउन करने वाली नहीं, आठों दिन एग्जाम देने रेस्ट लेते हो बीच में, तो आप सिंगल मॉड्यूल की तरफ जाओगे। उसमें अगर आप न्यू सिलेबस में हो तो तीन एग्जाम है मॉड्यूल टू के, और ओल्ड सिलेबस में हो तो चार एग्जाम है मॉड्यूल टू के, बाकी आपका एग्जैक्टली सेम है, चार चार सब्जेक्ट है मॉड्यूल वन में। सब्जेक्ट एक इधर उधर हुआ है वो आपको पता है, कॉर्पोरेट ओल्ड में और यहां पर इनकम टैक्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो सर, आपके एग्जाम अब सब्जेक्टिव हो रहे हैं न्यू मॉड्यूल में, अगर आप हो न्यू कोर्स के हिसाब से चल रहे हो तो सब्जेक्टिव होने, क्योंकि आपको क्वेश्चन वह सॉल्व कर कर आना है तभी एग्जाम में नंबर आने हैं। जो 60-70% कोर्स क्लियर है आपका, आप उसके वन शॉट वीडियोस देख लो, जिसमें हमारे ऑलरेडी सिद्धांत बैच में भी डले हुए हैं। सिर्फ इनकम टैक्स जीएसटी में अमेंडमेंट है, इनकम टैक्स में जहां बेटा आपका कैपिटल गेन का मेजर पोर्शन थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है, और सैलरी हेड में थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट्स है। उन दो लेक्चर्स को छोड़कर आप बाकी की चीजें कर सकते हो जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। वन शॉट वीडियोस देखो आप सारे सब्जेक्ट्स के। सर खाली वीडियोस देखकर काम चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये 10 घंटे आपको ऐसे ही तो नहीं बिताने हैं, आपको पर डे कोई तीन सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी है। ये आप चाहो तो 1 अप्रैल से शुरू कर सकते हो, बचे कुछ दिनों में आप अपना सिलेबस और कवर कर सकते हो, या चाहो क्योंकि बीच में होली भी पड़ रही है तो डिस्टर्बेंस नहीं, तीन सब्जेक्ट का वीडियोस देखो आप कम से कम, तीनों सब्जेक्ट चाहो। अगर आप सिंगल मॉड्यूल की तरफ जा रहे हो तो भी तीन, बोथ मॉड्यूल की तरफ जा रहे हो तो भी तीन। और आपको पता है तीन सब्जेक्ट करने का मतलब क्या है, कि आप 100% अपनी प्रोडक्टिविटी दोगे। आप एक ही दिन में सातों सब्जेक्ट करोगे तो काम नहीं चलेगा। फिर अगर आप बोथ मॉड्यूल की तरफ जा रहे हो तो दूसरे दिन तीन सब्जेक्ट उठा लो अल्टरनेट बेसिस पर। इन तीन सब्जेक्ट की जो वीडियोस देख रहे हो प्लस 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 कर इनके पीवाईक्यूस क्वेश्चन जरूर कर जाओ। दूसरी बात यहां मैं बता दूं बहुत बेहतरीन वाली, जब आप पीवाईक्यूस क्वेश्चन को करेंगे, जब आप इनके सॉल्यूशन देखोगे, इनके आंसर्स देखोगे, आप इनको करा हुआ देखोगे, तो आप वैसी लैंग्वेज एग्जैक्टली नहीं लिख सकते हो। आप अपनी लैंग्वेज लिखो जिस लेवल तक मैच हो रही है बुक से, बहुत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे पास हुए हैं, पास होते हैं, आप अपने सीनियर्स रैंकर से पूछोगे तो एग्जैक्टली बुकिश नहीं लिख पाते। जिस लेवल तक आप बुक को मैच कर पा रहे हो बेस्ट है, नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ये दिक्कत आनी ही नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आपके पास फॉर्मेट थोड़ी सी दिक्कत करता है, अदरवाइज सारी चीजें आपको क्लास के दौरान ही सिखाई गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना कंपलसरी है दोस्त। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो उनका लेवल मैच करने की कोशिश करते हो, पहले दिन बिल्कुल नहीं होगा, ये काम हो पाएगा 15-20 दिन तक। पहले दिन सिंपल आप तीन सब्जेक्ट की वीडियोस उठाओ, उनका वन शॉट शुरू करो। वन शॉट आधा हो पाए या पूरा हो पाए डिपेंड करता है आपके पास समय कितना बच रहा है, वो वीडियो कितनी बड़ी है, ठीक है। आप तीन सब्जेक्ट का करो, पहला सब्जेक्ट करो, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, लिखने की कोशिश करो, फिर दूसरा सब्जेक्ट करो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की देखो और लिखना शुरू करो, फिर तीसरा सब्जेक्ट करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और फिर लिखना शुरू करो। ये तीनों काम करने हैं आपको पर डे। 1.5 से 2 घंटे की एक वीडियो होगी और 1 से 1.5 घंटा अपना सेल्फ स्टडी। जैसे ही आप ऐसा करोगे 8-9 घंटे आपके अपने आप, और आपने टारगेट लिया 10 घंटे का, कसम खाइए 10 घंटे बहुत कम होते हैं बेटा। सर हमारे लिए तो बहुत ज्यादा होते हैं, मानो ही मत ज्यादा होते हैं। जब आप इस स्ट्रेटेजी के संग चलोगे, मैं टारगेट आपको बनाकर दे रहा हूं, सबसे बेस्ट प्लानिंग दे रहा हूं, इसके बाद कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा सर, 100% रिजल्ट जाएगा। हाँ, जो बच्चा इस चीज को मानेगा उसका 100% क्लियर होगा, क्योंकि सबसे पहले आपने डिसीजन लिया है कि आप सिंगल मॉड्यूल की तरफ जा रहे हो, बोथ, तभी जाना बोथ जब 60-70% कोर्स आपका क्लियर है, आपके अंदर कैपेसिटी है। आप वन डे बिफोर रिवीजन, मतलब आपको एक भी दिन नहीं मिलेगा उस टाइम पर रिवीजन, आपको जो कुछ करना है 2 महीने के अंदर करना है अगर आप बोथ मॉड्यूल की तरफ जा रहे हो, क्योंकि वहां से आप आओगे थोड़ा बहुत ही रिवाइज कर पाओगे, फिर दूसरे दिन फिर एग्जाम देने जाना है। बट अगर आप सिंगल मॉड्यूल की तरफ जाते हो, अपनी 100% प्रोडक्टिविटी यूज कर अपना 100% देते हो दोस्त, तो डेफिनेटली आपका क्लियर होना। बस ये तीन चीजें आपको वन शॉट वीडियोस करना है, क्योंकि जो चीजें क्लास में आपकी आधी अधूरी रह गई थी, कम समझ में आई थी, वो वन शॉट वीडियो से 100% समझ में आएगा। अपना सिद्धांत बैच ऑलरेडी वन शॉट के रूप में है अपने चैनल पर। दूसरा दोस्त, तीनों सब्जेक्ट की वीडियोस के साथ आपको पीवाईक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करने हैं आपको, और साथ साथ अगर समय बचता है लास्ट का आधे से एक घंटा बचता है, तो अपने जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लाइक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जिसका जिसमें भी है, ग्रुप वन में या टू में, डिपेंड्स ऑन ओल्ड और न्यू सिलेबस, और आपका इनकम टैक्स जीएसटी, इनके आप चाहो तो बेटा एमसीक्यूज लगा सकते हो सर, चाहे तो। हाँ बेटा, ये सेकेंडरी ऑप्शन है, ये प्रायोरिटी बेसिस पर नहीं, बिल्कुल लास्ट में आधे घंटा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट थोड़ा याद रखने में दिक्कत करते हैं सीएस स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको थ्योरी बहुत प्यारी लगती है, प्रैक्टिकल से उतना प्यार नहीं होता। तो आप इनकम टैक्स जीएसटी और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 1 घंटा मिलाकर सबके एमसीक्यूज लगा रहे हो, अगर आप बोथ मॉड्यूल में जा रहे हो, और सिंगल मॉड्यूल में जा रहे हो तो 1 घंटे में लगा लो, चाहे इनकम टैक्स जीएसटी और कॉर्पोरेट एफएम या कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट है।
तो ये प्यारी सी स्ट्रेटेजी है, तो 2 महीने के अंदर 100% प्रोडक्टिविटी के साथ आपको क्लियर हो। सर अगर हमारा ये कोर्स ही नहीं हुआ है 60-70%, तो दोस्त आप अपनी मेहनत करो, रिजल्ट आना ना आना जो भी होगा वो देखा जाएगा, बट इस समय टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अभी नहीं तो अगली बार क्लियर होगा, होगा जरूर, क्योंकि ये मैं आपको जो है सच्चाई वाली बात बता रहा हूं कि 60-70% कोर्स होना जरूरी है। 60-70% सारे चैप्टरों में से आपको कुछ कठिन लग रहे थे, कुछ समझ में नहीं आए थे और कुछ आपका छूट गया था, उसके अलावा आपको सब कुछ आता है, आपको चैप्टर के बेसिक्स आते हैं, आपको कोई चैप्टर बहुत अच्छा लगता है और कोई चैप्टर आपको कुछ कम कम आता है, इसलिए 60-70% बोलता हूं। 100% सिलेबस के पीछे भागो मत, पहले इसको कंप्लीट करो, बाकी बचा हुआ पूरा वन शॉट वीडियो से आप सिलेबस यहां पर कोशिश करो कि 100% हो जाए। रीजन दोस्त सिंपल सा है, आपके एग्जाम में चॉइस भी आती है, आपको ओवरऑल 50% लाने हैं, आपका अगर फेवरेट सब्जेक्ट हो तो आप उसमें 60 नंबर ले आओ और जो कम फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें 40 ले आओ, ओवरऑल 50% आपका आ जाएगा और आप पास होगे। अगर आप मॉड्यूल 1 पास करोगे तो मॉड्यूल 2 में मुलाकात होगी हमसे, और मॉड्यूल 2 पहली बार दे रहे हो तो हो सकता है मॉड्यूल 1 में, और अगर आप पहले मॉड्यूल 1 क्लियर कर चुके हो तो मॉड्यूल 2 क्लियर कर हमसे प्रोफेशनल मिल सकते हो। तो यही उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों से कि बहुत बहुत प्यार के साथ पढ़ाई को करें, बहुत मेहनत जो आप कर रहे हो दिल से, इस वीडियो को जो देख रहे हो उसे दिमाग से समझ रहे हो, वो सभी चीज़ें आप अपने एग्जाम स्ट्रेटेजी में डाल दें। मम्मी पापा का आशीर्वाद और ऊपर वाले की दुआ आपके साथ हमेशा है, और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक प्यारा सा मैं आपको बोलना चाहूँगा थैंक यू। Thank you so much. Thank you to all of you.